नहीं, वो तो पहले ही कहा है कि छोटों पर जो कार्रवाई हुई है उसको सरकार को देखना चाहिए। ठीक है, देख रहे हम आपके साथ रंजीत सिंह। आज बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा बिहार में बजट पेश किया गया, जिसको लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों की बात कर ले, राजद, कांग्रेस या माले, तो तमाम लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। और साथ ही में यह कहा कि जिस तरीके से बिहार विधानसभा में जो बजट पेश हुआ है वो साफ ही साफ झूठ का पुलिंदा है। और बात कर ले अगर सहयोगी पार्टियों की, जो NDA में शामिल जो पार्टी है, जीतन राम मांझी जी, तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आज का जो बजट पेश हुआ है वो बिहार के लिए एक बड़ा बदलाव करेगा। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी को लेकर लगातार सियासत तेज है, शराबबंदी के मामले पर लगातार जो विपक्ष है वो सवाल खड़े कर रहे हैं, तो कुछ दिन पहले ही सत्ता पक्ष के लोगों ने ही बात कर ले, NDA में जो शामिल दल हैं VIP और हम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने सवाल खड़े किए थे कि जिस तरीके से मुजफ्फरपुर में और जो जहरीली शराब पीकर जिन लोगों की मौत हुई थी उस पर कार्रवाई करने की मांग की थी। इस पर जो तमाम जो सरकार है उन्होंने कार्रवाई की और छोटे लेवल जो छोटे जो अधिकारी हैं उनको पकड़ा गया। इस पर जीतन राम मांझी ने आज अपनी सरकार को फिर से घेरा है और स्पष्ट रूप से कहा है कि जो कार्रवाई की जा रही है उसमें छोटे लोगों को जो है नहीं कार्रवाई, बड़े लोगों पर जिस तरीके से जो बड़े अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। साफ तौर पर जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने पहले भी शराबबंदी के मामले पर सवाल अपने सरकार पर उठाया और आज फिर से अपने सरकार को यह घेरते हुए बोला है कि जिस तरीके से छोटे लोगों पर, छोटे जो अपराधी, छोटे जो लोग हैं, जो पुलिस हैं उन पर कार्रवाई नहीं, बड़े जो अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। को भी इसे सकारात्मक रूप करवाना चाहिए। सिर्फ सरकार पर अगर छोड़ देंगे तो जो आज परिस्थिति हो गई है, इसलिए हम लोगों को भी सक्रिय होना चाहिए। बजट बहुत अच्छा है और बिहार को हर तरह से आगे बढ़ाने का है। शराब से मौत हो रही है सर, नालंदा में जो अंतर्राष्ट्रीय मतलब कौन लोग हैं जो स्टेडियम बनाया जा रहा है और लोगों को नहीं पकड़ पा रहे हैं, नालंदा ही नहीं है सर। छोटे लोगों पर कार्रवाई सिर्फ होना क्या लग रहा कि लाजमी है इसमें? नहीं, वो तो पहले ही कहा है कि छोटों पर जो कार्रवाई हुई है उसको सरकार को देखना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसे सकारात्मक रूप करवाना चाहिए। सिर्फ सरकार पर अगर छोड़ देंगे तो जो आज परिस्थिति हो गई है, इसलिए हम लोगों को भी सक्रिय होना चाहिए। बजट बहुत अच्छा है और बिहार को हर तरह से आगे बढ़ाने का है। शराब से मौत हो रही है सर, कि नालंदा में जो अंतर्राष्ट्रीय मतलब कौन लोग हैं जो स्टेडियम बनाया जा रहा है और लोगों को नहीं पकड़ पा रहे हैं, नालंदा ही नहीं है सर। छोटे लोगों पर कार्रवाई सिर्फ होना क्या लग रहा कि लाजमी है इसमें? नहीं, वो तो पहले ही कहा है कि छोटों पर जो कार्रवाई हुई है उसको सरकार को देखना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है।